हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पौधे हैं उनमें जो तौलिया होता है, कोई भी पेड़ है आपका, तो उसमें तौलिया कब करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, जैसे ये तौलिया है एक, तो इस तौलिए में मैंने यहाँ पर इसके साथ नहीं खोदा है और यहाँ पर खोद दिया है बाहर। तो तौलिए के आपने साथ में 1 फुट तक, जैसे यहाँ तक आपने कस्सी नहीं मारनी है, इतना आपने छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप तौलिया कर दे, और यहाँ जहाँ से आपका तना होता है, यहाँ से आप इस तरह से नाली सी निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बीच से इससे नाली निकाल दिए, जो पानी है वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। फिर उससे हमारा क्या फ़ायदा होता है किसान भाइयों की, जो जड़ें है वो आपकी, वहाँ पानी नहीं टिकेगा तो जड़ें ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं खोदना है। तो आजकल हमें इसमें मिक्स करके गोबर डाल सकते हैं आप। तौलिया करने के बाद ही गोबर डालें, क्योंकि फिर पूरा गोबर इसमें अच्छे से चला जाता है। अगर आप पहले डाल देंगे तौलिया करने से पहले, तो जो इसमें घास होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये घास है यहाँ, तो जब इसे पटेंगे हम, तो इसमें ऊपर से वो गोबर गिरा होगा, जिस वजह से फिर वो उसके साथ साइड में निकल जाएगा। तो आप गोबर तौलिया करने के बाद ही डालें, आप देख सकते हैं इस तरह से। और इसमें आजकल आप खाद सुपर डाल सकते हैं, बाकी कोई भी खाद ना डालें। नाइट्रोजन यूरिया वगैरह तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि वो 15 दिन में लीच हो जाती है, तो अभी तो कोई उसका फ़ायदा ही नहीं है डाल के। पोटाश, यूरिया, नाइट्रोजन, आपने कुछ भी डालना हो, ये सब खादें आप फरवरी मार्च में ही डालें। इस तरह से आप देख सकते हैं नाली इसमें बनाई हुई है, और तौलिया बाहर से खुदा है, बीच में बिल्कुल भी खुदा नहीं है। हाँ, वहाँ से घास निकाल दे, हल्का हल्का साफ़ कर दे किसी भी चीज़ से, ताकि जड़ों में आपकी जो कस्सी है या मशीन है वो ना लगे। मशीन भी आप बाहर से घुमा सकते हैं, बाहर बाहर से ही, इसके नज़दीक आपने नहीं जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको तौलिए करने हैं, और ये टाइम सही अभी तौलिए करने का, क्योंकि ऊपर से जो बर्फ़ आएगी, गोबर और जो सुपर आपने डाला होगा, वो अच्छी तरह से काफ़ी नीचे तक चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आपने तौलिए करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।